हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट यानी कि बिजली बिल का भुगतान कैसे करें। फ्रेंड्स, यहां पर बिजली बिल दो तरीके से जारी किए जाते हैं, एक तो लो टेंशन लाइन के लिए और एक हाई टेंशन लाइन के लिए। लो टेंशन में घरेलू, गैर घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य एवं स्ट्रीट लाइट, कृषि कार्य संबंधी बिल एवं ई वाहन या ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन बिल आते हैं। हाई टेंशन लाइन में इंडस्ट्रियल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, टाउनशिप आदि आते हैं। ये एमपी ऑनलाइन का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम बिल पेमेंट करेंगे। यदि आप बिजली बिल मोबाइल से पे कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। डेस्कटॉप मोड अनेबल करने के बाद आप आसानी से बिल को पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल एवं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर एवं मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर, तीनों ही कंपनी का बिल पेमेंट करना सीखेंगे। बिल पेमेंट करने से पहले हमें बिल को डाउनलोड करना है। ये मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर का ऑफिशियल पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम बिल को प्रिंट करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। हमारा क्षेत्र किस डिस्कॉम के अंतर्गत आता है यहाँ पर लोगो दिया हुआ है, आपके बिल में भी यह लोगो शो होगा। जैसे कि यह जबलपुर डिस्कॉम का लोगो है, यदि आपका क्षेत्र डिस्कॉम जबलपुर के अंतर्गत आता है तो यह लोगो आपके बिल में होगा। बिल डाउनलोड करने के लिए व्यू एंड पे योर एलटी बिल पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ऑनलाइन बिल पेमेंट सिस्टम और यहाँ पर जबलपुर डिस्कॉम का लोगो है। बिल डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको IBRS नंबर एंटर करना है यानी कि कंज्यूमर नंबर एंटर करें। यदि आपके कंज्यूमर नंबर या फिर IBRS नंबर के पहले N लिखा हुआ है जिसे आपको छोड़ देना है, सिर्फ यहाँ पर आपको डिजिट एंटर करना है। IBRS नंबर एंटर करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करें। इसके बाद क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपके कंज्यूमर इंफॉर्मेशन शो होगी। इसके बाद यहां से आप डाउनलोड बिल पे क्लिक करके बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप बिल की हिस्ट्री को देखना चाहते हैं या फिर प्रीवियस बिल को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप बिल हिस्ट्री पे क्लिक करें। अब यहां पर आपके सभी बिल शो होंगे। आप जिस भी मंथ का बिल डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड बिल पे क्लिक करके बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन इंस्टेंट बिल पे क्लिक करें। यदि आप पेमेंट हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं तो पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी सभी बिल पेमेंट की हिस्ट्री शो होगी। यदि आप रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का बिल डाउनलोड कर सकते हैं। यह मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल का ऑफिशियल पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम बिल को प्रिंट करेंगे या फिर डाउनलोड करेंगे। यदि आप भोपाल डिस्कॉम के कंज्यूमर हैं तो आपके बिल में इस तरीके से लोगो शो होगा। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। बिल डाउनलोड करने के लिए एलटी सर्विसेज पे क्लिक करें। इसके बाद व्यू या पे बिल पे क्लिक करें। इसके बाद आप डाउनलोड बिल पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डाउनलोड बिल का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफायर कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यदि आप रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो IBRS नंबर रूरल सेलेक्ट करें, और यदि आप अर्बन यानी शहरी क्षेत्र से हैं तो आप अकाउंट आईडी अर्बन सिलेक्ट करें। आइडेंटिफायर कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करना है। आपने यहाँ पर जो भी कैटेगरी सिलेक्ट किया है उसका यहाँ पर नंबर एंटर करें। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करें। इसके बाद आप बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको बिल पेमेंट हिस्ट्री या फिर आपको प्रीवियस बिल प्रिंट करना है तो एलटी सर्विसेज पे क्लिक करें। इसके बाद व्यू या पे बिल पे क्लिक करें। इसके बाद आपको पेमेंट हिस्ट्री डाउनलोड करना है तो व्यू पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करें। इसके बाद आप डिटेल्स भरें और पेमेंट हिस्ट्री को डाउनलोड करें। यदि आप अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको आइडेंटिफायर नंबर भी यहां से पता चल जाएगा। और यदि आप प्रीवियस बिल हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं तो व्यू बिल हिस्ट्री पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का बिल पेमेंट हिस्ट्री या फिर बिल हिस्ट्री को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का लोगो है जो आपके बिल में भी लोगो होगा। यदि आप मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के कंज्यूमर हैं
तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यदि आपका डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक या फिर एग्रीकल्चर बिल है तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आपका कारपोरेट या कमर्शियल बिल है LT लाइन के लिए तो आप इसे सिलेक्ट करके बिल को डाउनलोड करें। और यदि आपका ST यानी कि हाई टेंशन लाइन कंज्यूमर है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने बिल को डाउनलोड करें। घरेलू और एग्रीकल्चर कस्टमर रिटेल बिल पेमेंट LT लाइन को ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको IVRS नंबर एंटर करना है। यदि आप घरेलू कंज्यूमर हैं तो आपके कंज्यूमर नंबर के पहले N होगा, जिसे आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना है, सिर्फ अंक ही एंटर करना है। वही आपका IVRS नंबर है जो कंज्यूमर नंबर है। कंज्यूमर नंबर एंटर करने के बाद व्यू एंड पे एनर्जी बिल पे क्लिक करें। इसके बाद बिल डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करें। अगेन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको IVRS नंबर या फिर अकाउंट ID इंटर करें और सबमिट पे क्लिक करें। आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप पश्चिम क्षेत्र का भी बिल डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप पश्चिम क्षेत्र के कंज्यूमर हैं तो ये लोगो आपके बिल में भी शो होगा। अब आपको बिल का पेमेंट करना है। यदि आप मध्य क्षेत्र यानी कि भोपाल डिस्कॉम के कंज्यूमर हैं तो आप मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सिलेक्ट करें। और यदि आप पूर्व क्षेत्र जबलपुर डिस्कॉम के कंज्यूमर हैं तो आप मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सिलेक्ट करें। या फिर आप यदि पश्चिम क्षेत्र इंदौर डिस्कॉम के कंज्यूमर हैं तो आप मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड पे क्लिक करें। आप जिस भी क्षेत्र के कंज्यूमर हैं उस पे आप क्लिक करें। जैसे कि हम जबलपुर डिस्कॉम के कंज्यूमर हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको IVRS नंबर या अकाउंट ID इंटर करना है। यदि आप भोपाल डिस्कॉम के कंज्यूमर हैं तो यहाँ पर आपको कंज्यूमर सेलेक्ट करना होगा। यदि आप रूरल क्षेत्र से हैं तो आप IVRS नंबर सेलेक्ट करें। और यदि आप अर्बन क्षेत्र से हैं तो अकाउंट ID सिलेक्ट करेंगे। और यदि आपके पास एग्रीकल्चर बिल है तो आप फ्लैट रेट एग्रीकल्चर बिल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने जो भी विकल्प सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर IVRS नंबर या फिर अकाउंट ID इंटर करना है। इसके बाद व्यू बिल पे क्लिक करें। IVRS नंबर या कंज्यूमर नंबर इंटर करने के बाद व्यू बिल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। यदि आपकी डिटेल्स इनकरेक्ट शो हो रही है तो आप करेक्ट IVRS नंबर या अकाउंट नंबर इंटर करें। यहाँ पर आपका नेम है और यहाँ पर आपका एड्रेस है और यहाँ पर आपके बिल का मंथ दिया हुआ है, कब जारी किया गया है, यहाँ पर इशू डेट है और यहाँ पर बिल जमा करने की लास्ट डेट है। यदि आप ड्यू डेट तक बिल पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके बिल में सरचार्ज अमाउंट यानी कि विलंब शुल्क क्या लगेगा, यहाँ पर विलंब शुल्क दिया हुआ होगा और यहाँ पर सरचार्ज अमाउंट यानी कि विलंब शुल्क के साथ बिल की राशि शो होगी। यह एग्रीकल्चर का बिल है इसलिए यहाँ पर सरचार्ज शुल्क नहीं दिया हुआ है। यदि आपका डोमेस्टिक यानी कि घरेलू बिल है यहाँ पर सरचार्ज अमाउंट भी दिया हुआ होगा। यदि आपका एग्रीकल्चर बिल है यहाँ पर आपको स्प्लिट पेमेंट का भी ऑप्शन शो होगा, जिसे आप टिक करके यदि आप बिल की संपूर्ण राशि को चुकता नहीं करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको जितनी भी राशि जमा करना है यहाँ पर एंटर करें। यदि आप एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपने अमाउंट को एंटर करें, यानी आप बिल से जितनी भी अधिक राशि जमा करना चाहते हैं उसे यहाँ पर एंटर करें। यदि आपकी जितनी बिल राशि है उतना ही जमा करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को किसी को भी टिक ना करें। यहाँ पर आपके टोटल बिल की अमाउंट शो होगी, जिसे आपको पे करना है। सभी डिटेल्स रीड करने के बाद यहाँ पर कंज्यूमर मोबाइल नंबर एंटर करें, यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका MP ऑनलाइन का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, UPI किसी भी एक माध्यम से बिल पे कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाता है तो आप भुगतान पुनः सत्यापन लिंक पर क्लिक करके रेफरेंस नंबर के द्वारा पेमेंट का सत्यापन कर सकते हैं। यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है तो आपको दोबारा से पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपकी पेमेंट फेल हो चुकी है तो जो राशि आपके अकाउंट से कट हुई है वो राशि आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी, आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। किंतु आपको दोबारा पेमेंट करने से पहले 24 घंटे का वेट कर लेना है। यदि आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट रहने दें। इसके बाद यहां से कोई भी एक पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें, PGOV इंडिया या फिर HDFC CC एवेन्यू कोई भी एक सिलेक्ट करें। जैसे कि हमें PGOV इंडिया से पेमेंट करना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर है जिसे आपको नोट कर लेना है। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है तो इसी रेफरेंस नंबर के द्वारा आप ट्रैक कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें। यहाँ से भी आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI किसी भी एक माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करने के लिए आप इसे सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर इंटर करें और यहाँ पर एक्सपायरी डेट में मंथ और ईयर इंटर करें और यहाँ पर CVV या CVC नंबर इंटर करें जो कि 3 डिजिट का होता है और जनरली कार्ड के बैक साइड पे होता है। इसके बाद यहाँ पर ATM कार्ड होल्डर का नेम इंटर करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करें। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त होगा। उस OTP को इंटर करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी और पेमेंट रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी। यदि आप QR कोड से पे करना चाहते हैं तो QR सिलेक्ट करें। इसके बाद भीम UPI सिलेक्ट करें। मेक पेमेंट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा जिसे आपको किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करना है और पे करना है। बिल सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद इस तरीके से आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी जिसे आपको प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आपको रीड कर लेना है। यदि आपके बिल का भुगतान शो नहीं हो रहा है तो आप 24 से 48 घंटे में चेक करें, आपका बिल भुगतान शो होगा। आप पेमेंट हिस्ट्री पे जा करके भी पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यदि शो नहीं हो रहा है तो आप 24 से 48 घंटे का वेट कर लें। यदि आपको पेमेंट करने से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप MP ऑनलाइन के दूरभाष क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी हेल्पलाइन नंबर 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं। रिसिप्ट जनरेट होने के बाद आप होम पे क्लिक कर लें। यदि आप रिसिप्ट बाद में भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद आप जिस भी क्षेत्र के कंज्यूमर हैं उसे आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर IBRS या अकाउंट ID इंटर करें और व्यू बिल पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी डिटेल्स शो होगी, लास्ट सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन भी शो होगा। यदि आपको रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करें, आपकी रिसिप्ट ओपन हो जाएगी। यदि आपकी यहाँ पर रिसिप्ट शो नहीं हो रही है तो आप 24 से 48 घंटे का वेट कर लें या फिर इलेक्ट्रिसिटी हेल्पलाइन नंबर 1912 पर भी संपर्क कर सकते हैं। बिल पेमेंट करने के बाद यहाँ पर जो बिल अमाउंट है वो 00 शो होगा। इस तरीके से आपका बिल भी पेमेंट हो चुका है। बिल पेमेंट हिस्ट्री या फिर बिल को कैसे डाउनलोड करना है हम पहले ही आपको बता चुके हैं। यदि आप अपने बिल को फोन पे या गूगल पे से पे करना चाहते हैं या फिर पेटीएम से पे करना चाहते हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से आप अपना किसी भी प्रकार का बिजली बिल पे कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।